इस वक्त रात के 2:48 हुए हैं और हम मौजूद हैं अमृतसर के जौड़ा फाटक इलाके में, जहां पर शुक्रवार शाम दशहरे के मौके पर रावण दहन देखने के लिए आए लोगों के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 62 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ लोग यहां पर अपनों को ढूंढने के लिए आए, ऐसी कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई। देखा है सभी हॉस्पिटलों में, कहीं ये मेरा बन जाएगा। क्या नाम था इसका? आशीष। आपका नाम? मेरा वो नाम उषा है। उषा जी, ये बताओ कि अभी ये यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में यहीं पे था उस वक्त? हाँ जी सर। हादसे के वक्त? हाँ जी सर। तो अभी तक इसका कुछ नहीं, कुछ नहीं पता लगा। गुरु नानक हॉस्पिटल देखा है, सिविल हॉस्पिटल में 2, रामदास हॉस्पिटल में देखा है और अमन हॉस्पिटल में देखा है, मुझे कहीं नहीं पता लगा। अभी और भी हमारे सदस्य जो ढूंढ रहे हैं, नहीं कहीं नहीं पता लगे। तो इलाके को अगर समझना हो तो रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ कृष्णा नगर है और ट्रैक से महज 20 से 25 मीटर की दूरी के ऊपर ये धोबी घाट का एक ग्राउंड है, जहां पर दशहरे का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर बैठे कुछ लोग रावण दहन देख रहे थे, तभी एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन के नीचे आकर 62 लोगों की मौत हुई है, जैसा कि यहाँ का प्रशासन बता रहा है। मैनू मेरे मामा जी ने इतने बुलाया थे, उन्होंने मैं खोता अच्छा, उन्होंने मैं फोन किया कि तू कि हैगा वा, मैं मैं दुकान पर हैगा वा। वो केंद्र तू इतें आ, मेरे को आप तेन रावण खा के लिया इतों का, तू चल इतने बड़ा वाइया रावण चल साड़ देने, तू इतें आ जा। इतने आप आए हैं तो उत्थे आए मंजर मैं मिले जी। किए हो कदों पता लगे ट्रेन आ गई है, कदों धक्का दस रहे कि अपना ट्रैक इधर इतने खड़े हैं, इतने खड़े तुम्हें धक्का मारता। मैं इधर वाले पास धोबी घाट की साइड जिधर रावण दहन हो जाए, उन्होंने मैं धक्का मारे तो मैं पिछले पास हो गया वा। तो मेरा वीर मेरे नाल से मैंने कहता कि तेरे मामा जी इतने गए कितने गए, मैं मैं धक्का मार के उन्होंने गांह करता। फिर ऐसा मेरे मामा जी जे 4-5 लोग लागे, फिर उन्होंने भी धक्का मारता कि तुम गांह में निकल जाओ, तो उन्हें चुनू ट्रेन यकदम आई तो उन्हें ना ही बचाते हुए लोगों को बचाते बचाते ना ही आप चलो।